हुलिया बदल कर 200 वारदातें करने वाले पकड़े गए। लियाकताबाद पुलिस का छापा, दौरान डकैती गोली मारने में मुलव्वस दो मुलजिमान सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार, असलहा बरामद। औरंगी टाउन मंसूर नगर में घर के अंदर आतंकवादी, एक ही खानदान के 6 अफराद झुलस गए, खातून जहां बहाक। 13 जनवरी 2023 को कराची हैदराबाद में कोई यूसी की हलका बंदियां मौजूद नहीं थी, क्योंकि जिस कानून के तहत यह हलका बंदियां हुई उसी कानून को वापस ले लिया गया, उसी एक्ट को वापस ले लिया गया। तो 15 जनवरी 2023 को जो इंतखाबात हुए हैं वो बगैर हलका बंदियों के हुए हैं। मुत्तहिदा एक और कानूनी नुक्ता ले आई, अगले हफ्ते से दोबारा हलका बंदियां शुरू करने का मुतालिबा। इलेक्शन नहीं एक्शन हुआ, हुकूमत नहीं जमहूरियत बचाई, अपने आप को नहीं बेचा, खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फरवरी के पहले हफ्ते से एहतजाज का भी ऐलान। हम निकले, हम अवामी राय भी हमवार करेंगे और जो लोग राय बनाते हैं उन तक भी जाएंगे और जो जो कुछ जमहूरी हक हमारा एहतजाज का है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। फरवरी के पहले वीक में हमारा ये सिलसिला शुरू होगा। कराची और हैदराबाद काउंसिल की कयादत जाले मेयर करेंगे, मुर्तजा वहाब को यकीन, कहते हैं आवाम ने धरनों की सियासत करने वालों को रद्द कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकाने का इल्जाम, फवाद चौधरी की लाहौर से गिरफ्तारी, 22 करोड़ अवाम निजाम के खिलाफ बगावत कर दें। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था। पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू, राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद मुंतकिल, अस्पताल में तिब्बी मुआयना, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। फारूक हबीब और सिक्योरिटी एहलकार आमने सामने, फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने से रोकने की कोशिश, लाहौर हाईकोर्ट बुला रही है, गाड़ी मेरे ऊपर से जाएगी, पीटीआई रहनुमा की गुफ्तगू, एहलकारों पर फायरिंग का भी इल्जाम। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज और पकड़ धकड़, जहलम से फराज चौधरी की गिरफ्तारी, इलाका मजिस्ट्रेट ने जमानत मंजूर कर ली, रिहाई का हुक्म। शहबाज फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया, इमरान खान का सवाल, कहते हैं मेरी आवाज बंद करने की कोशिश हो रही है, जेल कार्ड नहीं मौत बहुत से करीब से देखी है, अफसोस से कहना पड़ रहा है अदलिया ने बुनियादी हुकूक की हिफाजत नहीं की। ये कहते हैं कि मैं अपनी सियासी कमाई और तेरी कमाई क्या है, सियासी तवायफों की क्या कमाई होती है। शहबाज शरीफ तुम इस पाकिस्तान की क्रिस्टाइन किलर हो, तुम वो सियासी तवायफ हो, दो वोटों से तुमने चलते हंसते खेलते मुल्क को तबाह किया, अब तुम्हारी बारी है। शहबाज शरीफ पर ताबड़तोड़ हमले, कारकुनों से गिरफ्तारियों के लिए नाम लिखवाने की अपील, फवाद चौधरी कल नहीं तो परसों बाहर आ जाएगा। हुक्मरान इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, शेख रशीद की गुफ्तगू, नवाज शरीफ को भी पैगाम। नवाज शरीफ मैं यहाँ से कह रहा हूँ, मोहसिन नकवी आपके लिए आया, पीटीआई मेरी बात को बुरा ना मनाए, उसमें इतनी सख्त ही नहीं है, उसका निचला हिस्सा काम ही नहीं करता, उसके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, उसके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, नवाज शरीफ उसका इंजन धुआं दे रहा है, ये तुम्हारी बारी है कि तुम अब अपना क्या बयानिया दोगे। ये 22-23 करोड़ अवाम का मुल्क है,
ये फवाद जैसे गधे लोगों का मुल्क नहीं है। पहले वो शहबाज गिल था, उसका वो सेल ठीक किया, अब फवाद की बारी आ गई। मैं लाहौर हाईकोर्ट के भी जज साहब से इल्तजा करूंगा कि निहाल हाशमी साहब ने इसी तरह की बात की थी जिस तरह की फवाद चौधरी साहब ने की है, उसकी सजा भुगती थी 6 माह कैद। इंसाफ का मयार दोरा नहीं हो सकता। शहबाज गिल के बाद फवाद चौधरी का सेल ठीक करने की बारी, निहाल हाशमी को ऐसे ही केस में सजा हुई। इंसाफ का दौरा मयार नहीं हो सकता। अतातार और आबिद शेर अली की लाहौर हाईकोर्ट से इल्तजा, नेल्सन मंडेला और डब्बू में फर्क है, लीगी रहनुमाओं की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ साहब को अकामे की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है, यहाँ पे तो बेटियां ऑफशोर निकल आती हैं, उनको तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं करते, उनको आप सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे देते हैं। यहाँ पे दो दो निकाह कर लिए जाते हैं, कोई फतवा जारी नहीं होता। अगर आपने एक मुंतखब वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे घर भेजा है तो दूसरे को बेटी छुपाने पे घर भेजना होगा। पीटीआई के 43 अरकान कौमी असेंबली डीनोटिफाई, नशस्तें खाली करार दे दी गई, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। भारत के फॉलेस फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा ठप, यौम जमहूरिया पर मकबूजा कश्मीर में मुबैना दरअंदाजी का टोपी ड्रामा बेनकाब, पाकिस्तानी इदारों ने मोदी सरकार के प्लान का स्क्रिप्ट हासिल कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का फेरियर हॉल का दौरा, तीसरी मैरी गोल्ड फेस्टिवल के इंतजाम का जायजा, मेला 3 दिन जारी रहेगा। और बॉक्स ऑफिस पर एवटार 2 द वे ऑफ वाटर की हुक्मरानी, फिल्म ने रिलीज से अब तक $2 बिलियन की कमाई का संग मील उबूर कर लिया। दिस हेडलाइन न्यूज वॉज ब्रॉट टू यू बाय सोशल मीडिया से बाहर भी अगर हम सोशल हो सकते हैं तो व्हाई नॉट मेरी जान। Behriya Town Karachi 2 booking open from 5th January. Bubbly 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 fire life. अस्सलामु अलैकुम, K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं वरीशा खान और मैं हूं मोहम्मद अकबर तारिक। हेडलाइंस आपसे मुलायजा की बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले